धार नगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के घर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसमें 3 DSP के साथ दर्जन भर कर्मचारी मौजूद रहे। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के शासकीय निवास और अन्य जगह से करीब 15 रजिस्ट्रियां मिली, जो इनके और इनके परिजनों के नाम पर दर्ज है। संपत्तियों में कुछ इंदौर तो कुछ धार में मौजूद है। साथ ही DSP शिव सिंह यादव ने बताया कि इनके इंदौर निवास पर भी छापा मारा गया है, वहां सभी दस्तावेजों की जांच चल रही है। साथ ही टीम को बैंक की 15 पासबुक भी मिली है, जिनका भी मिलान किया जा रहा है। वहीं गोल्ड और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी टीम खंगाल रही है। DSP शिव सिंह यादव ने बताया कि तनख्वाह से 112% अधिक संपत्ति बरामद की गई, भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई, जिसको लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। एक्चुअल में इनको एक कंप्लेंट शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्हें भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी जांच की गई। जांच पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज सर्चिंग में करीबन 15 तो रजिस्ट्रियाँ मिली हैं इनके नाम से, जो इनके इनके पुत्र और इनकी पत्नी के नाम पर, कुछ धार में है, कुछ इंदौर में है, और 4-5 रजिस्ट्रियाँ किसी दूसरे के नाम से हैं वो प्राप्त हो गई हैं। और एक छापा इंदौर में इनके जो निवास है वहाँ पर भी डाला गया, जिसमें भी जाँच चल रही है। बैंक के दस्तावेज भी मिले हैं, जो भी जाँच जारी है। एक 10-15 पासपोर्ट हैं, वो पासबुक हैं, उसके भी बैंक से डिटेल लिए जाकर जो भी धनराशि है, जिसका गोल्ड तो अभी 6-7 तोला ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। धार में कैलाश नगर स्थित भी कोई, हाँ, इनका धार में कैलाश नगर 2 मकान, एक तो इन्हें बेच दिया, अभी एक कैलाश नगर वर्तमान में है, 87 नंबर। सर, किसी प्रकार का कोई केस वेस मिला या ट्रांजैक्शन की जानकारी? नहीं, अभी जाँच है, अभी तो प्रथम दृष्टा चल ही रहा है ना अभी। सर, क्या लगता है कितने की संपत्ति हुई इनके पास? अभी अंदाजन 15, अनुमान कैसे बता सकते हैं? सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।